सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दसवीं कक्षा में आज हम पढ़ेंगे स्केल ड्राइंग। स्केल ड्राइंग में आज हम प्रश्न नंबर 16 जो आपको स्केल 16 नंबर स्केल दी हुई है इसकी हमने आज कागज बाट करनी है। वैसे तो आपकी 10th क्लास से आपको कागज बाट आती होगी क्योंकि आपने 9th क्लास में भी स्केल ड्राइंग पढ़ी है और पहली 15 स्केले आपने कर रखी है, इसलिए आपको कागज बाट सिखाने की जरूरत नहीं है। फिर भी हमारी पहली स्केले तो मैं एक बार आपको स्केल नंबर 16 की कागज बाट करवा देता हूँ। यदि आपको आगे जरूरत पड़ेगी तो आगे भी हर स्केल से पहले कागज बाट करवा करके फिर स्केल करवाऊंगा, नहीं तो सीधी आपको स्केल करवा दूंगा। तो हम कागज बाट का आपको पता ही है हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम किसी भी स्केल की लेंथ, ब्रेथ और हाइट लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक रफ कागज ले रहा हूँ, रफ कागज में मैं इस स्केल की लेंथ लेता हूँ। इस स्केल की लेंथ हमारी है 88 सेंटीमीटर और इसकी ब्रेथ हमारी है 49 सेंटीमीटर और इसकी हाइट हमारी है 70 सेंटीमीटर। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि इसकी हाइट ज़्यादा है या इसकी ब्रेथ। तो इसकी हाइट ज़्यादा है और सॉरी इसकी लेंथ ज़्यादा है और इसकी हाइट हमारी है 70 और इसकी लंबाई है 88। तो इस स्केल को हम जो कागज़ को हम वो लंबाई की तरफ रखेंगे और हम क्या करेंगे इसको जोड़ देते हैं लेंथ और ब्रेथ को। तो ये 88 और 49 ये हुआ 137 सेंटीमीटर और आपका 70 और 49 ये हुआ 119 सेंटीमीटर। तो हमारा ज़्यादा है लेंथ, तो हम कागज़ को लेंथ की साइड रखेंगे। जब भी हम कागज़ बांट करते हैं उसके लिए हमें सबसे पहले इसमें हाशिया लगाना होता है और हाशिया हमेशा 90 डिग्री का होता है। हाशिया मैंने लगा दिया है, यदि आपको हाशिया लगाना नहीं आता है तो मैंने लाइन क्लास के लिए स्केल बनाई थी उसमें मैंने बताया और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उस लिंक पर देख करके आप हाशिया लगाना सीख सकते हैं। यदि मैं इसमें भी हाशिया लगाना बताऊंगा तो हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं सीधा आपको स्केल ड्राइंग करवाता हूँ, इसकी पेपर ट्यूशन कराता हूँ। ये जो आपकी स्केल है ये स्केल मेज की है और इसका हमने एलिवेशन साइट प्लान बनाना है। इसमें जो फुट्टा यूज होना है वो है 1.8 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं ये फुट्टा इसमें यूज होना है 1.8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमने लेंथ और ब्रेथ जो हमारी आई है जोड़ के 137, तो हमने सबसे पहले इसमें 137 सेंटीमीटर काटना है। अब कैसे काटेंगे हम इसमें, ये देखिए हमारे पास यहाँ पे है 128 और 28 के बाद सीधा दर्शाया हुआ 144, तो ये चार चार का इसमें डिस्टेंस होता है। तो 28 और 4 32 और 4 36, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं निशान लगा देता हूँ, यह है 36 और 1 सेंटीमीटर हमने और यहाँ पे लेना है। मैं इसमें क्लिक पेंसिल का यूज करूँगा, ये हमारा आ गया 137 सेंटीमीटर। तो ये हमने लेंथ और ब्रेथ दोनों काट दिए। अब बची हुई शीट के हमने बराबर 3 भाग करने, हम लेंथ की साइड जब भी डिवाइडेशन करते हैं तो हम बची हुई शीट के 3 भाग कर देते हैं। तो हमारे पास जो शीट बच गई है मैं फुट्टे से लेता हूँ 9 सेंटीमीटर और 6 mm, 6 मिलीमीटर हमारे पास बचा हुआ है। तो मैं एक रफ कागज लूँगा और यहाँ पे 9.6 को 3 से भाग दे दूँगा, तो 3 * 9 ये कट गया, यहाँ पर पॉइंट हमने 6 उतार दिया, 6 * 3 = 6, तो ये हमारा कट गया। तो हमारा एक जो भाग आ गया वो 3.2 सेंटीमीटर का आ गया है। तो अब हमने यहाँ से शुरू से ही ये लेना है, तो हम पहले यहाँ पे 3.2 सेंटीमीटर काट देंगे। ये मैंने निशान लगा दिया, पहला भाग हमारा आ गया है। अब हमने लेनी है लेंथ, प्रॉपर लेंथ हमारी कितनी है 88 सेंटीमीटर है, हमने यहाँ से 88 सेंटीमीटर लेना है। तो ये आपका 80 है और ये आपका 84 है, ये आपका 88 है। तो ये हमारे पास यहाँ पे है, ये हमारा 88 है, यदि आपने वेरीफाई करना है तो 88 और 4 आपका है 92 और 92 और 4 है 96। तो देखिए ये आपका 88 है, ये मैंने 88 ले लिया है। अब बीच में एक भाग और हमने लेना है और वो भाग हमारा है 3.2, तो हमने
3.2 लेना है यहाँ पे, ये 3 पॉइंट, तो ये हमारा है जो पहले वाले निशान है, इनको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, यहाँ पे मिटा देता हूँ, ये हमारा आ गया है। अब हमारी ब्रेड्थ हमने लेनी है और ब्रेड्थ हमारी है 49, तो हम यहाँ से लेंगे 49 है, तो आप देख सकते हैं ये हमारा है 48 यहाँ पे, तो ये 48 हम लेंगे और 1 सेंटीमीटर हम यहाँ से इसमें लेंगे, ये आप देख सकते हैं ये हमने 1 सेंटीमीटर ले लिया है। अब जो हमारा बच गया ये हमारा एक भाग है, और आप अगर देखना चाहें तो ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए 3.2 पूरा हमारा बच गया है। इसी तरह से हमने इस साइड भी हमने काटना है इसको, देखो इसको एक तो तरीका है ये जो मैं यहाँ से काट रहा हूँ, एक और तरीका वो मैं आपको भी बताता हूँ कैसे हम इसको जल्दी कर सकते हैं कार्य। जैसे 3.2 हमने काट दिया, और हम यहाँ पे लेंथ काटेंगे, लेंथ की साइड है तो पहले लेंथ काटेंगे, लेंथ हमारी है 88, तो ये हमारा 88 है। जितनी पेंसिल आपकी शार्प होगी उतना ही आपका सफाई से कार्य होगा, मोटी पेंसिल होगी तो आपका MM बद घट जाएगा। ये हमारा है 3.2, फिर हमारा है ब्रेड्थ, ब्रेड्थ हमारी है 48 और 1 49, तो हम इस तरह से 49 ले लेंगे यहाँ पे, ये हमारा है 49 है। और हम अब यहाँ देखते हैं 3.2 हमारा बचेगा, ये देखिए यहाँ पे 3.2 हमारा पूरा बचा हुआ। एक तो हम इस तरह से, अब इसको हम ऐसे फुट्टे से मिला देंगे, यहाँ पे फुट्टा रख करके इस तरह से हम लगा सकते हैं। यदि आपके पास सेट स्क्वायर है तो आपने एक साइड को काट दिया है, यहाँ पे हम सेट स्क्वायर लगा देंगे 90 डिग्री पे इस तरह से, ये आप देख सकते हैं ये मैंने लगा दिया है सेट स्क्वायर। और आप अगर इसको सही लगाना आपको आता है तो ये देखिए अपने आप यहीं पर आ रहा है, आप देख सकते हैं ये जो मेरा निशान है यहीं पर आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर, ये तो यहाँ पे मुझे काटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने एक साइड काट दिया और 90 डिग्री की लाइन आएगी, ये देखिए यहाँ पे। यदि मुझे सेट स्क्वायर आपका सही लगाना आ रहा है तो ये देखिए यहाँ पे, ये देखो बिल्कुल आपका पूरा बैठता है इस तरह से। आपके पास सेट स्क्वायर होना चाहिए बड़ा जिसके आप निशान लगा सकते हैं इस तरह से, नहीं तो आप दोनों साइड काट दीजिए और फुट्टे से इन रेखाओं को इस तरह से मिला दीजिए। ये मैंने यहाँ पे लेंथ की साइड जो पेपर डिवीजन कर दी है, अब हाइट की साइड हमने पेपर डिवीजन करनी है, तो मुझे पेपर को इधर को घुमाना है। अब हमारी हाइट और ब्रेथ कितनी है वो हमने काटनी है, वो हमारी 119 है, मैंने आपको पहले ही बताया था, और 119 में यहाँ काट देता हूँ। अब कैसे मैं 119 इसमें वेरीफाई करूँगा, ये आप ये 12 और ये आपका 4 16 और 4 20, ये आप देख सकते हैं 12 और 4 16 और 4 20, तो ये हमारा 20 है, मैं 20 काट देता हूँ और 20 से 1 सेंटीमीटर में पीछे ले लेता हूँ क्योंकि 19 है, तो ये हमारा है 1, मैंने यहाँ से पीछे ले लिया है, ये हमारा आ रहा है यहाँ पे। अब बची हुई शीट के मुझे बराबर 5 भाग करने हैं, तो मैं शीट को नाप लेता हूँ कितना है, ये मेरे पास आ रहा है 4 सेंटीमीटर। अब मैं रफ कार्य थोड़ा सा करूँगा यहाँ पे, ये मेरे पास 4 सेंटीमीटर आ रहा है और मुझे इसके जो है वो 5 बराबर भाग करने हैं, तो मैं इसको MM में ले लेता हूँ, तो 4 जो सेंटीमीटर होता है वो 40 मिलीमीटर के बराबर होता है। अब मैं इसको 5 से भाग देता हूँ तो 8×50 40, तो ये आ गया 8 MM, तो एक भाग हमारा आ गया 8 मिलीमीटर का। तो अब हमने जैसे अभी 2 भाग छोड़ने हैं तो 1.6 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर 8 6 मिलीमीटर, इस तरह से मैं इसको काट दूंगा। 2 भाग यहाँ से मैं काटता हूँ, तो यहाँ पे ये बाहर वाली लाइन की हमें ज़रूरत नहीं क्योंकि इससे अंदर ही हमें रहना है, तो मैं यहाँ पे काट देता हूँ 1.6, 2 भाग हम इधर छोड़ते हैं ऊपर, ये मैंने काट दिया है 1.6, 2 भाग मैंने ऊपर छोड़ दिए। अब हम काटेंगे हाइट, हाइट हमारी है 70 सेंटीमीटर, तो ये मैं यहाँ पे 70 सेंटीमीटर काट रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे ये हमारे पास 64 है, 64 और 4 हमारा है, ये हमारा है 64 और ये हमारा बनेगा 66 68 और आपका 70, ये हमारा पूरा 70 है, ये हमारा 72 74 76 78 और 80, ये हमारा
यहाँ पे 70 आ गया है। अब हमने यहाँ पे एक भाग छोड़ना है, एक भाग हमारा था 8 mm का, हमने यहाँ पे 8 mm छोड़ना है, ये मैंने छोड़ दिया है। और अब हम काटेंगे यहाँ से 49 जो हमारी ब्रेड्थ है, ये हमारा 48 है, और 48 के बाद हम एक और काटेंगे यहाँ पे, ये हमारा है 49, ये हमारा है। और हम देख सकते हैं यहाँ पे 1.6, और आप देख सकते हैं ये हमारे पास 1.6 बच गया है। अब हमने क्या करना है, इस साइड से हमने इसके भाग कर दिया, अब हमने यहाँ से भी इसके भाग करने हैं, तो हम 1.6 यहाँ काटेंगे, ये मैंने काट दिया 1.6। अब मैं यहाँ से काटूंगा इसकी हाइट, और इसकी हाइट है जैसे आपको पता ही है, इसकी हाइट है 70, जैसे ये आपका है 64, 64 और 4 हमारा है 68 और 2 70, ये हमारा 70 आ जाएगा यहाँ पे। अब हमने काटना है एक भाग, एक भाग हमारा आएगा 8 mm का, और ये आपका है 8 mm है। अब हम काटेंगे इसकी ब्रेड्थ, वो है 49, तो हम क्या करेंगे यहाँ से, ये आपका 48 आ रहा है यहाँ पे हमारे पास, और 1 cm और ले लेंगे यहाँ से, ये हमारा आ गया 48। अब हमने 49 सॉरी, अब हमने इसको मिला देना है, इस तरह से हम इसको मिला देंगे, जैसे 10th क्लास आपकी, तो मैं आपको बताता हूँ ये मिलना सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे, ये जो आपकी रेखा आएगी ये आपकी एक्स वाई लाइन है, ये रेखा आपकी पूरी आनी है, बाकी लाइनें हमारी छोटी हम रख सकते हैं, ये रेखा हमारी थोड़ी लंबी आनी है क्योंकि एक्स वाई लाइन है, और ये मैं इधर को लगा देता हूँ यहाँ से, ये रेखा हमारी है ये सिर्फ हमने यहाँ तक ही लगानी है बस इतनी, क्योंकि ये हमारी मिट जानी है। अब ये हमारा रबड़ है, अब हम एक्स्ट्रा लाइनें जो हमारे पास है वो हम इनको मिटा देते हैं। आप इस तरह से हमने एक्स्ट्रा लाइनें सारी मिटा दी है। अब यदि आप चाहें तो जो हमारी डार्क लाइनें हैं, दूसरी जो लाइनें बच गई हमारी, जो हमारी यूज़ में आनी है, इन लाइनों को हम थोड़ा सा गाढ़ा कर सकते हैं, अब थोड़ा डार्क इनको हम कर सकते हैं, इस तरह से हम इनको थोड़ा सा डार्क कर देंगे। इस तरह से हमारी ये पेपर डिवीजन हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम यहाँ लिख सकते हैं एलिवेशन, साइट, प्लान और प्रोजेक्शन, और ये हमारा वर्ग बन गया है। यदि ये हमारा वर्ग बना है तो ये सही है, अगर यहाँ पे वर्ग नहीं बनता है तो हमारी स्केल जो हमने पेपर वाट की है, ये पेपर वाट सही नहीं है। हम यहाँ लिखेंगे एक्स वाई, तो ये हमारी जो है वो स्केल नंबर 16 की कागज बाँट हो गई है। आपने भी इसी तरह से करनी है कागज बाँट, और अगली वीडियो में मैं आपको इसकी इस पर जो है वो स्केल बना के बताऊंगा, इस तरह से आपने पेपर कागज बाँट कर लेनी है।